गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हैं? घर से बाहर नहीं निकलना, और जब भी निकलना मास्क लगा के निकलना, और बाहर से आके आपको हाथ हैंड वॉश करना है, साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है, ठीक है? तो आज हम पार्ट 6 दादाजी की वापसी पढ़ते हैं। तैयार हैं आप लोग? पेज नंबर 36 निकालिए, हिंदी पेज नंबर 36, दादाजी की वापसी। दादाजी की वापसी का मतलब दादाजी वापस अपने घर आ गए। कहाँ से आए हैं ये हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अखिल श्रीवास्तव कोई खत लिख रहे हैं, बनारस से उत्तर प्रदेश, 5 जून 2020 को। दादाजी का नाम क्या है? अखिल श्रीवास्तव। वो बनारस में उत्तर प्रदेश में किसी को खत लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? प्रिय शोभित, वो उनका पोता है, वो अपने पोते को खत लिख रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ, शहर से वापस गांव आकर मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। शोभित, महानगर से गांव का जीवन बिल्कुल अलग है। गांव में शांति और वातावरण में शुद्धता है, जबकि शहरों में शोर और प्रदूषण है। गांव में बैलगाड़ियां, तांगे आदि चलते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाती, जबकि शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। गाड़ियां धुआं उगलती रहती हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित होता रहता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आँखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। शहरी जीवन का एक खतरनाक पहलू और भी है, वह है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है, जिसके कारण सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, और प्रत्येक वर्ष असंख्य लोग असमय काल का ह्रास बन जाते हैं। तुम अपने स्वास्थ्य पर का ध्यान रखना। सुबह जल्दी उठकर पार्क में सैर के लिए अवश्य जाना। सुबह की ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारे माता पिता और चिंकी को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा दादा अखिल श्रीवास्तव। आपको समझ में आया कुछ कुछ? अब हम आपको समझाएंगे कि दादाजी ने शोभित को क्या लिखा। दादाजी ने शोभित को लिखा कि पूर्णतः मतलब पूरी तरह, अब मैं शहर से गांव आके पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ, मतलब ठीक हो गया हूँ। क्योंकि जो गांव में रहता है उसको शहर अच्छा नहीं लगता, जो शहर में रहता है उसको गांव अच्छा नहीं लगता है। एक दादाजी अपने घर आ गए तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते, अरे मैं तो ठीक हो गया हूँ, मेरी तबीयत भी अब ठीक है। क्योंकि वो शहर में तो शहर की जिंदगी तो एकदम अलग है, वहाँ पे बहुत शोरगुल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो बहुत ही शांति है, शुद्ध वातावरण है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, वहाँ कारखाने नहीं होते हैं, तो शहर का वातावरण शुद्ध होता है। वहाँ काले काले धुएँ नहीं निकलते हैं, गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता, इसलिए वहाँ शुद्ध होता है। वहाँ क्या चलती है गांव में? बैलगाड़ी चलती है, टांगे चलते हैं, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता, कोई धुआं नहीं निकलता। कि शहर में क्या रहता है कि एक के बाद एक गाड़ी आती रहती है, भीड़ लगी रहती है, गंदा गंदा धुआं निकलता रहता है, जिसके कारण हम लोग को सांस लेने में भी मुश्किल होती है ना बेटा? तो और वो धुआं क्या है, हमारे आँखों को भी ज़्यादा धुआं में हम रह जाते हैं तो आँखों में जलन पैदा होने लगती है, और ज़्यादा देर हम अगर बाहर रहते हैं हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है वो धुआं। शहर का जिंदगी इसलिए भी बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि इसमें सब चाहते हैं कि मैं उससे आगे निकलूँ। उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास दो गाड़ी होनी चाहिए, वो 40 की स्पीड में जा रहा है तो मैं 60 की स्पीड में जाऊँगा। यहाँ पे बहुत होड़ रहती है, सबसे आगे निकलना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा लाइफ में नहीं करना, पढ़ाई में होड़ जरूर लगाना बेटा, कि हमको इससे ज़्यादा मार्क्स लाना है, ज़्यादा पढ़ना है,
ये अच्छी बात है। तो शहर में क्या होता है, एक दूसरे से होड़ लगी रहती है, सब आगे निकलना चाहते हैं, बोलते टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचना है। उसमें क्या करते हैं, एक जल्दबाजी में एक दूसरे से टक्कर हो जाती है, कई लोग की जान चली जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आराम से चलना है। कभी भी सड़क में जाओ, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, तो आराम से जाओ, है ना। आराम 5 मिनट देर से ही, पर दुर्घटना होने से आप बच सकते हो। और जब तक सिग्नल ना हो, रोड को पार नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। और आप शहर में रहते हो तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है। आपके घर के पास पार्क है तो वहाँ जाना चाहिए। तो दादाजी भी उसको बोल रहे हैं कि देखो बेटा, तुम पार्क में जाना, टहलना, जो हमारे सांस अच्छी अच्छी शुद्ध ताज़ा हवा लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो दादाजी भी उसको सिखा रहे हैं कि तुम भी एक्सरसाइज करो, आप लोग भी सब एक्सरसाइज करिए। आसपास गार्डन है तो सुबह सुबह घूमने जाइए, दोपहर को, शाम को नहीं, क्योंकि उस समय तक पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। सुबह सुबह कम गाड़ियाँ चलती हैं, ताज़ी ताज़ी हवा रहती है, तो मन भी खुश हो जाता है। दादाजी ने बोला कि तुम अपना पार्क में घूमो, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुमको और तुम्हारे माँ बाप को बहुत सारा आशीर्वाद, ठीक है। समझ गए बेटा, आपको अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में भी अपने लिए समय निकालना है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है, सैर को जाना है, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा लेना है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। थैंक यू बच्चों।